वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। 21 करोड़ की संपत्ति नौकर के नाम पर 3 चीनी मिल और 600 बीघा जमीन का घोटाला करने वाले खनन माफिया हाजी इकबाल पर योगी का चाबुक रुकने का नाम नहीं ले रहा। बसपा का पूर्व MLC हाजी इकबाल ने शायद नहीं कभी सोचा होगा कि उसकी हालात ऐसे हो जाएंगे। अब यूपी पुलिस ने उसके एक और बेटे जावेद को दबोच लिया है। पिछले काफी दिनों से जावेद फरार चल रहा था। बहरहाल इससे पहले खनन माफिया हाजी इकबाल के कई करीबियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वही पुलिस ने खनन माफिया के बड़े बेटे के बाद एक और बेटे को दबोच लिया है जो कि काफी दिनों से फरार चल रहा था। करीब एक सप्ताह पहले सहारनपुर पुलिस ने हाजी इकबाल के बड़े बेटे अलीशान को दिल्ली से गिरफ्तार किया था जो कि इस वक्त जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक हाजी इकबाल के दोनों बेटे हिस्ट्री शीटर हैं। अब दोनों बेटों की गिरफ्तारी के बाद खनन माफिया हाजी इकबाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अब इकबाल ने दो बेटे गैंगस्टर एक्ट में वंचित चल रहे हैं। इसके साथ पुलिस खनन माफिया को भी लगातार तलाश कर रही है लेकिन उसे कोई कामयाबी नहीं मिल रही। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि जल्दी हाजी इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया हुआ है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। और इधर पुलिस ने 1-2 महीने में 125 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। आपको बता दें हाजी इकबाल ने अपने नौकर नसीम को अपनी करोड़ों की बेनामी संपत्ति का मालिक बना रखा था। यही नहीं, वह पूर्व MLC हाजी इकबाल की लखीमपुर खीरी गोरखपुर और सीतापुर की चीनी मिलों का डायरेक्टर भी था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और हाजी इकबाल की संपत्तियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज।